कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा। तू चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा आजमा ले तू उसको जरा। आजमा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए पहुंचाएगा वो पहुंचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। जय मसीह की। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सबको अनुग्रह और शांति मिले। आज हम बात करेंगे विश्वास की। विश्वास जो हम दिन प्रतिदिन अपने आप में दिखाते हैं, अपने भाइयों से दिखाते हैं, अपने रिश्तेदारों से दिखाते हैं कि हम उन पर कितना विश्वास और भरोसा करते हैं। आज हम बात करेंगे विश्वास की पवित्र शास्त्र से। विश्वास को जानने से पहले आइए हम परमेश्वर से दुआ करें कि वह अपना आत्मा हम पर उंडेले। आइए हम दुआ करें। ए महान पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे याद करते हैं प्रभु। जब हम तेरे वचनों पर गौर करेंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाने में तू हमें अगुवाई कर। पिता परमेश्वर, हम पर तू अपनी आत्मा उंडेल ताकि हम तेरे बातों को जान सके, समझ सके
और तेरे रास्ते पर चलने वाले इंसान बनने सके। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग राज में सुन और ग्रहण कर, आमेन। चिंता एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को सताती है। एक कहा जाता है कि आदमी अपने आयु से नहीं बल्कि चिंता से वह मृत्यु को पहुंच जाता है। चिंता ही मनुष्य को कब्र की ओर खींच कर ले जाती है। और आज हम बात करेंगे चिंता के समय शांति। परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र में कहता है कि तुम चिंतित ना हो। और आज हम देखेंगे फिलिपियों का किताब 4:6-7 में हम देखते हैं कि किस प्रकार पौलुस कहता है यहाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हमारे निवेदन प्रार्थना के और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखो। यहाँ पौलुस कितनी अच्छी तरह से हमें समझाता है कि हमें प्रार्थना के साथ अपना चिंता को परमेश्वर के पास पहुँचाना है। चिंता हमसे छूटता नहीं, हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम चिंतित रहते हैं, और इसलिए हमें इन सब को छोड़ने के लिए परमेश्वर के पास जाना होगा। पर हम किस प्रकार अपनी चिंता, अपने मन के भावनाओं को परमेश्वर तक पहुँचाए, पौलुस हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि हमें प्रार्थना के साथ उनके पास जाना है। आइए हम दूसरा राजा 4:1-7 में हम देखेंगे। यहाँ एक कहानी दिया गया है और इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक चिंतित औरत परमेश्वर की सेवा के पास जाती है और परमेश्वर उसके लिए क्या उपाय करता है। यहाँ हम देखते हैं एक विधवा बेवस औरत चिंतित रहती है अपने बच्चों के लिए। हम जानते हैं इस संसार में हम कई प्रकार की चिंताओं से घेरे हुए रहते हैं, कई प्रकार की चीज़ों से हम घेरे हुए रहते हैं और हर चीज़ हमें सताती है। जब तक हम जीवित रहते हैं एक एक करके बहुत सारे चीज़ें हमारे मन में आते हैं और हम उससे चिंतित रहते हैं और अपने आप में भय रखते हैं। आज के युग में अगर हम देखें तो हर युग के प्राणियों को चिंता सताती है। एक छोटा बालक वह सोचता है कि वो किस प्रकार अपनी किताबों को लेकर स्कूल जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं आजकल स्कूलों में किताबें ज़्यादा और विद्यार्थी बहुत छोटे रहते हैं और उन्हें काफ़ी बोझ उठाना पड़ता है। इतने सारे चिंताओं को लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं, जब एक क्लास से दूसरे क्लास वो पास करते हैं तो वो उन्हें और भी चिंता सताती है कि उन्हें और ज़्यादा बोझा ढोने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं जब वह अपने युवावस्था में पहुँच जाता है तो उसे और चिंता सताती है कि वो आगे अपना जीवन में क्या करेगा, वो क्या करने को बढ़ेगा, किस काम से वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। और जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे माता पिता हमारे लिए चिंता करते हैं कि उन्हें कैसा जीवन साथी मिलेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हम इस सोच में डूबे रहते हैं कि हमारे बच्चे हमें किस प्रकार देखभाल करेंगे, हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर हमें कहता है तू चिंता मत कर। और यहाँ हम देखते हैं यह स्त्री अपने बच्चों के लिए चिंतित रहती है। कारण क्या था कि यह स्त्री का पति बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह कर्जा लिए मर गया था। और जब उसका पति मर गया, या विधवा सोच में पड़ गई कि वह अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगी, कैसे उन्हें अपने कर्जदारों से मुक्ति दिलाएगी। जब वह कर्जदार उसके घर आए और कहने लगे कि हमें तुम्हारे बच्चों को ले जाना है दास बना के रखने के लिए, क्योंकि तुम हमारी कर्ज उतार नहीं पा रही हो, और यह सुनकर यह स्त्री चिंता में पड़ जाती है और दौड़कर एलिशा के पास जाती है। और जब वह एलिशा के पास जाती है तो एलिशा उनसे पूछता है तुम्हारे घर में क्या है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, और तुम्हारे पास क्या है। तब यह स्त्री बोलती है कि हे दास, प्रभु की इस दासी के पास एक हंडी तेल के सिवा कुछ नहीं है। और एक हंडी तेल छोटा सा, नहीं पता उस युग में लोग कितने बड़े हंडी में तेल रखते थे, लेकिन आज के
का युग में अगर हम देखें तो हम घरों में ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 लीटर का कैन में हम लोग तेल रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हो सकता है कि इस स्त्री के पास एक 5 लीटर का टिन में तेल था, या तो फिर उससे भी कम, 1 लीटर हो सकता है। यह हम नहीं जानते हैं कि उनके पास कितना था, लेकिन यह कहता है कि 1 हंडी तेल था। और हंडी अगर हम विश्वास करें तो हम मटका को समझते हैं, और 1 मटका तेल, और उस तेल से वह क्या कर सकती है। पर एलिशा ने उनसे कहा, तू जा अपने बच्चों के साथ और अपने लोगों आसपास के लोगों के पास से जितनी भी हंडियां हैं, जितनी भी घड़ा है, सब लेकर आ और अपने घर का दरवाज़ा बंद करके उन पर तू तेल उंडेल। और यह स्त्री जैसा यहोवा का सेवक एलिशा ने कहा वैसा ही की। उन्होंने जाकर अपने लोगों के आसपास जाकर लोगों से बर्तन मांगी, फिर अपने घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके वह तेल उंडेलते गई। जब घर में जितना भी बर्तन था सब में तेल भर गया, तो वह औरत अपने बच्चों से कही और बर्तन लेकर आओ। बच्चे बाहर गए पर उन्हें और कोई खाली बर्तन नहीं मिला। फिर बच्चे लौट कर आके अपनी माँ से कहते हैं, माँ और कोई बर्तन नहीं। तब तेल रुक गया। वचन कहती है यहाँ कि तेल जब तक उन्होंने उस हंडी पर नहीं भरा, वह तेल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और घर में जितने भी हंडियाँ थीं सबों में वह भर दिया। आज उसी तरह परमेश्वर भी हमसे कहता है, चिंता मत करो। जब हम चिंतित रहते हैं तो हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को आकर्षित करेंगे तब हम जानेंगे कि हमें परमेश्वर क्या कुछ से परिपूर्ण करता है। हम यहाँ देखें इस स्त्री के पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा उन तक पहुँचाया कि चिंतित ना हो, क्योंकि उसका पति भय मानने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और आज यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। परमेश्वर हमारे लिए वह कुछ जो कुछ हम देख सकते हैं कि हमसे असंभव है, वह परमेश्वर के द्वारा संभव है। क्योंकि पौलुस प्रेरित कहता है, जो कुछ मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर के द्वारा संभव है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ यह स्त्री पूर्ण विश्वास के साथ एलिशा के पास जाके कहती है कि मेरे पास यह समस्या है। वह चिंतित रहती है और अपनी चिंता को एलिशा को बताती है, और एलिशा परमेश्वर से प्रार्थना करके उनसे यह समाधान लेके आता है कि हमें चिंता नहीं करना है। और यहाँ यहूना 14:1 में कहता है, तुम क्यों व्याकुल होते हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। हम क्यों व्याकुल होते हैं, हमें क्यों चिंता सताती है, क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार की चिंताएं आती है और हमें सताती है, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कामों के लिए, अपने माता पिताओं के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, या तो हमारी गरीबी के लिए, या तो हमारे जीवन की अवस्थाओं के लिए हमें चिंता सताते रहती है। और ख़ास करके जब कोई कर्ज लिया हुआ होता है तो उसको पता रहता है कि वह कितना चिंतित रहता है। यदि हम कोई बैंक से अगर हम लोन लेते हैं और उसको समय पर नहीं चुका पाते हैं तो हम जानते हैं कि बैंक वाले किस तरह हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और उनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और एक करते हैं और अपने कर्जों को उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है, चिंतित मत हो। फिर यहूना 16:20 में हम देखेंगे, यहूना 16:20 में यह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगी। इस पृथ्वी में यदि हम परमेश्वर के पीछे में चलेंगे, इस पृथ्वी में यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करके उनके राहों पर चलने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस पृथ्वी में तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगी। तुम शोक करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, शांति में बदल जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार संतावना देता है कि इस पृथ्वी में भले हम रोए, मेहनत करें, तकलीफ उठाएं, लेकिन हर तकलीफ, हर शोक, हर रोना हमारे लिए आनंद का कारण होगा। और उस वक्त हम प्रभु में ज़्यादा आनंदित रहेंगे जिस प्रकार हम अभी हैं। बहुत सारे चीज़ों से हम आनंदित रहते हैं, आज खुश रहते हैं, और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के सारे लोगों का हम खुश रखते हैं।
लेकिन यदि अगर हम आनंदित ना रहे तो अपने आसपास के लोगों को भी हम आनंदित नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर यहाँ कहता है कि इस पृथ्वी में तुम्हें क्लेश होंगे, विपत्तियाँ आएंगे, लेकिन घबराने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वह इस संसार को जीत लिया है, और जो संसार को जीता है वो संसार के हर एक चीज़ में हमारी सहायता कर सकता है। हमने देखा है एलिशिया की ज़िंदगी में और उस विधवा की औरत की ज़िंदगी में कि परमेश्वर किस तरह उन्हें अगुवाई किया, उन्हें शांति से अपना उद्धार का मार्ग दिखाया, शांति से परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया। वे चिंतित थे लेकिन उनका विश्वास उनका शांति का कारण बना। आज हम यहूना 16 का 33 में हम देखते हैं कि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बताता हूँ कि तुम्हें प्रभु के नाम से शांति मिले। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बताता हूँ कि तुम्हें प्रभु के नाम से शांति मिले। यदि हम परमेश्वर की वचन को नहीं देखेंगे, परमेश्वर की वचन पर हम नहीं गौर करेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। भाई और बहनों, शांति प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के वचन पर जाना जरूरी है, क्योंकि प्रभु के वचन पर यीशु मसीह स्वयं ही कहता है कि तुम्हें मेरे नाम से शांति प्राप्त होगी। और पवित्र आत्मा दिन रात मेहनत करता है हम तक परमेश्वर का शांति पहुंचाने के लिए। और यदि हम अपने चिंतित में व्यस्त रहेंगे और परमेश्वर की वचन की ओर हम गौर नहीं करेंगे तो हमें वो शांति प्राप्त नहीं होगी जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। यूहन्ना 2:1-12 में हम देखते हैं कि गलील में किस प्रकार परमेश्वर चमत्कार दिखाता है, और ये पहला चमत्कार जो बाइबल बताती है। जब यीशु गलील में काना नाम का एक स्थान पर गया, वहाँ विवाह का समय था, और इस विवाह के समय में उस जमाने में लोग दाखरस दिया करते थे। जितने भी मेहमान आते थे उन सबों को दाखरस दिया जाता था, और ऐसे समय में विवाह का समय में जब सारे लोग मेहमान आ चुके थे, कहा जाता है कि उस विवाह स्थान पर दाखरस ख़त्म हो गया था, यानी कि दाखरस कम हो गया था। और दाखरस कम होने के कारण उस विवाह का योजना करने वाला व्यक्ति बहुत चिंतित था कि किस प्रकार अपने लोगों पर अपने मेहमानों का देखभाल करेगा, यदि दाखरस ना दे पाए तो लोग क्या कहेंगे। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय था। तब मरियम यीशु की माँ उसके पास आती है, आकर के कहती है कि यहाँ दाखरस नहीं है। यीशु मसीह उनसे कहता है, माता आप जानते हैं कि मेरा वक्त नहीं आया है। परंतु मरियम वहाँ के चेलों को कहती है, वहाँ के लोगों को कहती है और नौकरों से कहती है कि जैसा वह कहे वैसा करो, जैसा वह कहे वैसा करो। और यीशु मसीह की बात सुनकर, मरियम की बात सुनकर वहाँ के लोग नौकर यीशु मसीह से पूछते हैं, और यीशु मसीह उनसे कहता है कि घड़े हैं वहाँ पर, उन पर क्या करो, पानी डालो। और वे लोग आते हैं और उन पर पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद वो घड़ा में पानी पूरा भर देते हैं। और फिर यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम इसे लेकर जो विवाह का यहाँ का जो मालिक है उनको जाकर दो। और वो लोग वैसे ही करते हैं, जो नौकर रहते हैं वहाँ का वही काम करते हैं, और उन लोग जाके सबसे पहले मालिक को देते हैं। जब वह उसे चखता है तो वह कहता है कि लोग अच्छी चीज़ों को शुरू में देते हैं, यानी कि जब विवाह का आरंभ होता है तब लोग अच्छी चीज़ों को बांटते हैं, लेकिन तुमने यह अच्छा दाखरस अब तक रखा है, यानी कि जो परमेश्वर ने जो चमत्कार किया वो पहले से भी बेहतर था। परमेश्वर ने जो चमत्कार किया वह साधारण था, लेकिन पहले से भी ज़्यादा बेहतर था। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही करना चाहता है। जो हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती है, जो कम हो जाती है, उनमें वो नई चीज़ भरकर उनको पहले से बेहतर बनाता है। हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के सोच आएंगे, चिंता हमें सताएगी, लेकिन घबराइए मत। परमेश्वर ये चीज़ हमारे अंदर इसलिए डाल रहा है ताकि हम इन चीज़ सब से ख़त्म हो जाए, ये सारी चीज़ हम में आकर नीचे बैठ जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो परमेश्वर अपने आत्मा हम पर डालेगा, और जब वो अपनी आत्मा हम पर डालेगा तो हम एक नए तौर पर परमेश्वर के सामने आ सकेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हमारी चिंताएं सारी दूर हो जाएंगी। जैसे परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो,
ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी और हमें परमेश्वर की ओर बढ़ने में हमें सहायता और मदद मिलेगी। मत्ती रहित सुसमाचार 6:26 में कहता है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी प्राण की चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है हमें, यीशु मसीह कहता है कि तुम अपनी प्राण की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें दिन रात देखता है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। कहता है कि एक माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर हमें कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा प्राण बहुमूल्य है। परमेश्वर कहता है कि आकाश के उन पंछियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर उनको भोजन देता है। तुमको भी वही देगा अगर तुम विश्वास करो। यदि आज हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज हमें वो सारी चीज़ें देंगे जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो सारी चीज़ें देगा जो हमें चिंता, जिसके लिए हम चिंतित रहते हैं। वो सारी चीज़ों से मुक्त करेगा जो हमें, जो हमारे लिए चिंता का कारण बनता है। परमेश्वर आज हम सबको अपने पास बुलाता है। यदि हम उसकी वचनों पर गौर करेंगे, परमेश्वर की वचनों पर गौर करेंगे, तो परमेश्वर हमें जरूर से सही मार्ग दिखाएगा और हमारे चिंता के समय में वह हमारे शांति का कारण बनेगा। परमेश्वर हमें किस प्रकार से अपनी अद्भुत और अनुग्रह रास्ता से हमें निकाल कर एक शांति का मार्ग में ले जाना चाहता है। यदि हम शांति के मार्ग पर चलने सीखे तो भाई और बहनों, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इस कारण हम परमेश्वर पर विश्वास करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि आज हम देखते हैं हर प्रकार का, इस पृथ्वी में हर प्रकार का दुख तकलीफों को देखकर हम घबरा जाते हैं। कहीं पर बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पर दुर्घटना हो रही है, कहीं पर लोग मर रहे हैं, कहीं पर लोग तड़प रहे हैं, कहीं पर लोगों को भूख से उन्हें खाने पीने की अवस्था नहीं मिल पाती है, जिसके कारण लोग भूख से तड़पते हैं। और ऐसी अवस्थाओं को देखकर हमें यह लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया हो, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता और हमें हमेशा याद दिलाते रहता है कि हमें चिंतित, इन सारी बातों के लिए चिंतित नहीं होना है। अगर हम इन सारी बातों के लिए चिंतित होते रहेंगे तो हम परमेश्वर की वचन पर कब गौर करेंगे? कब हम परमेश्वर को समय देंगे? कब हम परमेश्वर को देखेंगे? कब हम उसके पास दौड़ कर जाएंगे? जिस प्रकार वो विधवा औरत चिंता के कारण से एलिशा के पास जाती है और एलिशा से सहायता मांगती है, उसी तरह अगर हम इन सारी चीज़ों पर चिंतित रहेंगे और हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, अगर हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर हम किस प्रकार से इन सारी चीज़ों से मुक्त होंगे? कैसे हमें शांति प्राप्त होगी? कहा जाता है इस पृथ्वी में बहुत सारे तकलीफें तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जीत लिया है। और इस कारण से हम परमेश्वर के पास जाएं, ताकि हम जानें कि हमें परमेश्वर के पास जाकर शांति का कारण प्राप्त करना है, हमें शांति का कारण बनना है, हमें खुद में एक शांति लाना है। चिंता के समय में हमें शांत रहना है, ताकि हमारी शांति को देखकर लोग भी जाने कि परमेश्वर है जो हमें देखना चाहता है, हमें शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए देखना चाहता है। हम में से कोई भी चिंता रहकर इस पृथ्वी में ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उतना शीघ्र ही मृत्यु को पहुँच जाते हैं। अगर हम ज़्यादा दिन तक चिंता करेंगे तो हम जल्दी मरेंगे। आज चिंता के कारण लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। हम जानते हैं लोग बीमारियों से कम लेकिन चिंता से ज़्यादा मर रहे हैं। और हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हमें शांति कहाँ प्राप्त होगी। हम सब जानते हैं, पवित्र शास्त्र कहती है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हमें विश्राम चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो हमें किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। यदि हम यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक अपना लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। और आनंद जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमें परमेश्वर का दिया हुआ वचन, यानी कि शांति, चिंता के समय शांति हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यदि आप हम सब चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी वचनों पर गौर करना है, दिन रात उसकी वचनों पर स्मरण करना है। जैसे कि दाऊद कहता है, मैं प्रभु के
वचन पर दिन रात स्मरण करता हूँ। वह राजा था, उसे बहुत सारी चीज़ों का चिंता था, वह बहुत सारी चीज़ों को देख रेख करता था, अपने समान पूरे राज्य का देख रेख करता था, लेकिन फिर भी कहता है जब परमेश्वर के मंदिर पर जाने का वक्त आता है तो मैं आनंदित होता हूँ। क्यों क्यों वह आनंदित होता है? क्योंकि वह जानता है कि हमसे ज़्यादा परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। जिन्होंने हमें रचा है, जिन्होंने हमें बनाया है, वह हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बात इतनी है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। आज हमारे लिए यह सवाल है कि क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वासपूर्व यीशु को जाकर बताते हैं कि हमारे पास दाखरस नहीं, कि हमारे पास घर में कुछ नहीं, कि हमारे पास पैसा नहीं कि हम अपना कर्ज चुकाएं? क्या आज हम परमेश्वर के पास जाकर अपने सारे मुसीबतों को उसको सुनाते हैं? यदि हम परमेश्वर को अपनी तकलीफें सुनाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर से रास्ता खोलेगा और चिंता के समय में हमारे लिए शांति का कारण बनेगा। आइए भाई और बहनों, हम परमेश्वर के पास अपने सारे चीज़ें लेकर जाएं, पवित्र वचन को देखें, पवित्र शास्त्रों को देखें जो हमें बतलाती है चिंता के समय में शांति रखो, जो हमें बतलाती है कि तुम किसी बात के लिए चिंतित ना रहो, जो हमें बतलाती है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जो हमें कहती है कि तुम किसी बात के लिए चिंतित ना हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की बातों पर गौर करें, उनकी बातों पर ध्यान दें, उनकी वचनों को स्मरण करें, ताकि हम जानें कि परमेश्वर हमारे लिए चिंता के समय में शांति का कारण है। यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता है। उस पर विश्वास करें और उसकी बातों को मानें, उसकी आज्ञा इच्छा अनुसार हम चलें। यदि हम चलेंगे तो हमें कोई चीज़ों की चिंता नहीं सताएगी। आइए यही सब बात लेकर हम परमेश्वर के पास जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमें इन चिंताओं से मुक्त किया है और हमारे लिए शांति का कारण बनकर इस पृथ्वी में आया था और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि इस पृथ्वी में हमें तकलीफें होंगी, लेकिन आप हमारे राहों पर उजाला बनकर खड़े हैं प्रभु, और हमें चलने में सहायता करने वाले पर पिता परमेश्वर है। जिस प्रकार आपने अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, अपने लोगों को चलने में सहायता किया, उसी प्रकार आज भी हमें भी अपने विश्वास में चलने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।